सब आई होप करते कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हो गई है मॉर्निंग और मेरा बेटा है अभी वो सोया हुआ है और ये जो है वो ऑफिस जा चुके हैं। मैंने खाने में बनाए हैं आलू मटर की सब्जी और साथ में रोटी और अब ये ऑफिस जा चुके हैं और मैं अपने लिए नाश्ता लेके आई हूँ, जो कि पता है आप सबको जो मेरा व्लॉग देखता है उसको पता होगा कि मैं मुझे इस तरह से रोस्ट वाले ब्रेड अच्छे लगते हैं और साथ में ये मलाई वाली चाय टेस्टी टेस्टी। तो हम करेंगे अपना नाश्ता और अभी मैं अपने बेटे को दिखाती हूँ, उसका भी दूध मैं ना बना के ले आई हूँ तो वो उठेगा तो फिर मैं उसको दे दूंगी, वरना वो दूध जल्दी पीना चाहता है क्योंकि अभी मैंने थोड़ा ज्यादा गर्म करके रखा है, वो उठेगा उठते उठते नॉर्मल हो जाएगा। तो गाइज मेरा बेटा जो है वो अभी सोया हुआ है, आप देख सकते हैं मुंह खुला हुआ है इसका, तो ये अभी सोया हुआ है। इसको उठाऊंगी तब ये रोएगा, अपने मन से उठेगा तब ये खेलेगा भी और फिर तब इसको नींद है। डेविन बेटा अभी इसको नींद है, सोने देते हैं तब तक उसको थोड़ी देर के लिए, उठेगा उसके बाद मैं मम्मी उससे मिलवाऊंगी, फिर ये करेगा हाय हाय बोलूंगी तो कहेगा बाय। तो हे गाइस जो मैंने साड़ी मंगवाई थी वो मैंने रिप्लेसमेंट के लिए डाल दी थी, जो कि मेरी एक्सचेंज होके आ गई है, जो कि मेरी मैंने रिप्लेसमेंट में डाल दिया था क्योंकि वो तीन चार जगह से फटी हुई थी। तो ये अब साड़ी आई है तो मैं इसको मैंने अभी खोली नहीं है, अभी बस मैंने पन्नी से निकाल के ये भी ऐसे कैसे ही फोल्ड है तो मैं देखती हूँ कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे साड़ी बहुत ज्यादा पीटी लग रही थी इसलिए मैंने मंगवाई थी, लेकिन उसमें दिक्कत आ गई थी फिर मैंने इसी वजह से एक्सचेंज करवाया और अब देखते हैं कि इसमें दिक्कत है या नहीं है। तो गाइज मैंने जो साड़ी मंगवाई थी वो वाकई में वो बहुत ही प्रीटी निकली और ये वाली साड़ी बिल्कुल सही निकली है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है मुझे। तो ये साड़ी जो है वो बहुत ही सुंदर लग रही है और अब इसमें मैंने रिप्लेसमेंट के लिए जो डाला था ना तो अब सही आई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ब्लाउज भी सही है, इसकी लेंथ भी सही है और साड़ी अच्छी है। तो किसी को मंगवाना हो तो जरूर मंगवाइए, साड़ी बहुत प्यारी है। तो गाइज मैंने कंघी कर लिया और आप देख सकते हैं कि मैंने हेयर बैंड क्यों लगाया है, जो बाल ना वो यहाँ पे आते रहते हैं माथे पे, तो मैं आज लगाऊंगी थोड़ा सा ब्लीच, ये दाग्स वगैरह मैं सोच रही थोड़ा चला जाए, पिंपल्स हो गया था ना। मेरे बेटे को देख लो ये तैयार कर रहा है मेरा ब्लीच का, क्या कर रहे बेटा क्या कर रहे हो आप दिखाओ। तो गाइस मैं जो ब्लीच है वो मैं ये वाला यूज करती हूँ, इंस्टेंट ब्लीच ग्लो का, जो कि बहुत ही अच्छा है, ये मैंने कैंटीन से मंगवाया था तो ये बहुत ही अच्छा है। तो गाइज हम थोड़ा सा कर लेते हैं मेकअप शेकअप, मुंह की डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो गाइज मैंने बाल अपने इस तरह से कर लिए हैं और जो एक्टिवेटर है वो मैंने इस ब्लीच वाले क्रीम में डाल दिया और मैं इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूंगी। इसको इस तरह से मिक्स करके आपको अपने आईब्रो पे नहीं लगाना है, आपने नेक पे चिक पे फोरहेड पे एंड यहाँ लगा सकते हैं चिन पे।
हे गाइस, तो मैं नहा के हो गई हूँ फ्री, और अब मैं थोड़ा बहुत अपना मेकअप वगैरह कर लेती हूँ। कंघी वगैरह तो मैंने तभी कर लिया था, तो कंघी अभी मैं करूँगी नहीं क्योंकि टाइम भी हो गया है, और मैं फिर इसको खिलाऊंगी रोटी क्योंकि फिर ये रोने लग जाएगा। तो मैंने सोचा फटाफट मैं कर लूँ, और फिर मैं आपको अपना ग्लो भी दिखाती हूँ कि ब्लीच करने से इस तरह का मेरा जो फेस है वो इस तरह से ग्लो कर रहा है। तो देखते रहना गाइज आप फेस। तो जिसकी आईब्रो कम है वो आप अपना पेंसिल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं काजल लगा रही हूँ, और तो इसी तरह से मैं अपना जो मेकअप है मैं ज़्यादा तो नहीं करती हूँ क्योंकि घर में ही रहना होता है, अपना सिंपल मेकअप ही मैं करती हूँ। तो ज़्यादा मैं मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, नॉर्मल क्रीम और लिपस्टिक और बिंदी और साथ में काजल। तो बताओ कि गाइस मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। फाइनली गाइस, तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ फ्री, और आप देख सकते हैं कि जो मेरा फेस है वो ग्लो कर रहा है ना थोड़ा बहुत। एकदम से तो नहीं दिखता इसका कलर, 2-3 दिन के इसका कलर 2-3 दिन के बाद दिखता है। तो मैं नहा धो के भी पूजा वूजा करके मैं हो गई हूँ फ्री, और अब मैं बनाऊंगी 2 रोटी और फटाफट से खाएंगे। गाइस, तो मैंने बनाई है आलू मटर की सब्जी प्लस में ये वाली पालक वाली दाल और साथ में ये रोटी। तो मेरे बेटे को देख लो क्या कर रहा है, चमनप्रास किस तरह से खा रहा है, सारे मुंह में लगा लिया। तो गाइस हम खाना खाते हैं, बाय बाय। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत करूंगी सिलाई का काम, क्योंकि मेरा थोड़ा अभी सिलाई का काम भी मेरा बचा हुआ है। पेंट रहती है उसकी सिलने, क्योंकि इनर नहीं मिल रहा था। और मैंने जो साड़ी मैंने मंगवाई थी, आपको मैंने दिखाया था पिछले ब्लॉग में, तो मैंने जो साड़ी मंगवाई है उसका मैं इनर वगैरह कल लेके आई थी, लेकिन उस पैंट का जो इनर है वो नहीं मिला था। तो देखते हैं, आज हम जाते हैं तो लेके आती हूँ, और बाकी मैं उसमें फॉल वगैरह लगाऊंगी, इनर लगाऊंगी, ब्लाउज वगैरह कटिंग वटिंग करूंगी। तो मैं आपके साथ ब्लॉग में जरूर शेयर करूंगी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।